हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग विद पिंकी में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी स्पेशल जैन रेसिपी है स्वीट कॉर्न का, एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता। हमने आज बनाया है स्वीट कॉर्न चिलरा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बहुत ही कम तेल में हमने बनाया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे बनाने में हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप ये भी बताएं आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। स्वीट कॉर्न चिल्ला बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये एक बाउल स्वीट कॉर्न के दाने लिए हैं। ये कच्चे दाने ही हमने इसमें लिए हैं। अभी हम इनको दरदरा पीस लेंगे। थोड़े से हम इसमें आँखें रहने देंगे। हमें इसे दरदरा पीसना है, इसका हमें पेस्ट नहीं बनाना है। ये देखिए, ये इस तरह से दरदरा हमने इसे पीस लिया है। अभी हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे। अभी एक बाउल हम इसमें बेसन डालेंगे, आधा बाउल सूजी, एक हरी मिर्ची जिसे हमने इस तरह से लंबा कट किया है। आप चाहें तो मिर्ची का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। अभी हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच सौंफ, एक पिंच हींग, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर, 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, एक छोटा चम्मच नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अगर आपको कॉर्न टिक्की बनानी है तो आप इसी बैटर में पानी नहीं डाल के थोड़ा सा चावल का आटा डाल सकते हैं और इससे कॉर्न टिक्की बना सकते हैं। हम यहाँ पर कॉर्न चिल्ला बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि बैटर हमारा अच्छे से सेट हो जाए। 10 से 15 मिनट हो गए, ये देखिए बैटर हमारा रेडी है। अगर गाढ़ा लगे तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये डोसे का तवा गरम रखा है। तवा जब हमारा गरम हो जाएगा हम इसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसके छोटे छोटे चिलड़े बना लेंगे। अभी हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। लगभग 1 छोटा चम्मच ऑयल हमने लिया है। इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अभी हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी थोड़ा सा ऑयल लगाकर सेक लेंगे। ये दोनों साइड से एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं। हमारे चिले तैयार है, अब हम इन्हें सर्व करते हैं। गर्मा गर्म कॉर्न चिलरा तैयार है। इसे आप ग्रीन चटनी सॉस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया डालकर इसे गार्निश किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।